3 days training of my client's team in Lonavala. तो भोपाल से मैं फ्लाइट लेकर के जाता हूँ लोनावला के लिए, लेकिन मेरी जो फ्लाइट है भोपाल में वो 6 घंटे डिले हो जाती है। आई हैड टू बोर्ड माई फ्लाइट एट 10 PM, लेकिन फ्लाइट मेरी आती है सुबह 4 बजे के आसपास एंड मैं पहुंचता हूँ मेरे क्लाइंट के घर पे अराउंड 5:30 बजे के आसपास। ओह, इट वॉज वेरी टफ। इट वॉज 6 घंटे, आई डिड नॉट हैव प्लान बिकॉज कल हमें मॉर्निंग में अगले दिन 7 बजे निकलना था बेसिकली, लेकिन मैं 5:30-6 बजे पहुंचने वाला था घर पे। तो आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप फॉर होल नाइट बिकॉज एयरपोर्ट पे क्या ही मैं सोऊं, एंड आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप, बट स्टिल क्योंकि कमिटमेंट सारी चीजें ऑलरेडी थी वो हो चुकी थी, अब फ्लाइट डिले हो गई, अब वी कैन नॉट कंट्रोल। तो आई डिड नॉट वरी अबाउट इट एंड आई सेड कि चलो लेट्स डू इट। देन बैक टू मुंबई एंड देन वी हैड आवर कार ट्रिप टू लोनावला। हम लोग कार से जो है वो लोनावला की तरफ गए। फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉज गोइंग फ्रॉम वाया कार बॉम्बे टू लोनावला एंड कार ड्राइव, कार व्यू वॉज वेरी नाइस एंड आफ्टर 3 or 4 hours ऑफ ट्रैफिक और ड्राइविंग हम लोग फाइनली हमारे विला पे पहुंचते हैं। इट वॉज अ प्राइवेट बुक विला एंड जो मेरा फ्रेंड है उसने अपनी पूरी टीम के लिए, यू नो वन थिंग आई वुड टू शेयर दैट आप अपनी टीम की कितनी ज्यादा केयर करते हो, आप अपनी टीम को किस तरीके से नर्चर करते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे ग्रो होगी। सिमिलरली आई टोल्ड माई फ्रेंड कि प्लीज यू डू दिस इवेंट एंड दिस वॉज ऑल्सो हिज फॉर द फर्स्ट टाइम ही वॉज डूइंग एन इवेंट एंड आई वुड से लाइक ही अरेंज्ड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग फॉर द टीम मेंबर्स एंड दिस इवेंट वॉज वेरी नाइस, नॉट only in terms of the facilities and all but in terms of the overall discussions jo ki humne wahan pe kari 3 din tak, like 2 nights 3 days hum log wahan pe the। First day sare team members wahan pe aaye, hum log ek dusre se mile, then milne ke baad first day was all about getting that bond together, thoda bahut baatein, thodi bahut sari cheeze and then raat ko bonfire, exciting moment। Actually us time pe Lonavala mein thand thi thodi si, to humne wahan pe jo hai wo bonfire jalaya, we played some games, humne masti kari, bahut sare discussions। Then next day हमारा एक ट्रेनिंग पूरा पार्ट हुआ जहाँ पे हमने पूरे इंटायर, लाइक जो मेरा फ्रेंड है उसके पूरे 3 साल के बिजनेस का ग्रोथ उसने डिस्कस किया एंड द टीम वाज आल्सो वेरी हैप्पी टू नो कि वो एक बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। आई आल्सो पुट सम फोटोज ओवर हियर कि वो बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। हमने हर एक टीम मेंबर्स को मौका दिया कि वो अपने प्रॉब्लम्स को भी शेयर करे अगर कोई प्रॉब्लम है तो। दे ओपनड अप ओपनली बहुत सारा, एक कहीं ना कहीं जैसे कि फॉर एग्जांपल एक वो होता है कि एक कनेक्शन जो चीज होती है क्योंकि वर्चुअल टीम में वो मिसिंग होता है, तो वो कनेक्शन हमने वहाँ पे रिबिल्ड किया। माय फ्रेंड ही वाज लाइक जो ओनर है कंपनी का, ही वाज द मोस्ट ट्रांसपेरेंट पर्सन आई हैव एवर सीन यू नो इन फ्रंट ऑफ टीम स्पेशली। उसने अपने सारे डेटा को अपने टीम के साथ शेयर किया, ऑनेस्टी के साथ शेयर किया, अपने प्रॉफिट्स बताए, अपना रेवेन्यू बताए, सारी चीजें एंड दैट मेड मी यू नो हैप्पी कि यार आप अपनी टीम से कुछ छुपा नहीं रहे, आप अपनी टीम को बल्कि ओपनली सारी चीजें बता रहे हो एंड दैट इज व्हाट द रीजन ही इज एबल टू ग्रो यू नो सिग्निफिकेंटली टच आउट एंड अभी जो वो इवेंट भी कर रहे हैं या फिर वो जो भी सारी चीजें अपने बिजनेस में करते आ रहे हैं, ही हैज बीन प्रोवाइडिंग अ ग्रेट सर्विस टू हिज एंटायर कम्युनिटी। तो वेरी बिग शाउट आउट टू द पर्सन पुरुषोत्तम हंबाडे एंड द इंटायर यू नो लाइक ट्रिप वॉज ऑफकोर्स लाइक इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटी द प्राइवेट विला वॉज वेरी नाइस और हमारा जो रूम था it was like lake view and beautiful lake वहाँ पे and it was all about for us only, वहाँ पे कोई और नहीं था। we were there, we had a great time, then second day पूरा training सारी चीज़ें, we had a great discussion, very hardcore discussions about you know like monthly activation campaign, शायद ये टर्म आपको समझ में नहीं आएगा कि हम हमारे डेड लीड्स को कैसे वापस से लेकर के आए एंड हम कम्युनिटी को कैसे गेमिफाई करें, हमारा मार्केटिंग एंगल कैसा हो, हमारे मार्केटिंग में आइडियाज क्या क्या लगने चाहिए, एड शूट में के कुछ कुछ आइडियाज, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी एंड क्रिएटेड अ प्लान कि हम लोग यू नो 2024 में what he is going to do and it was a great event by the way। I'll be putting some clips and some videos in this video as well and then after completing 15 days in Mumbai especially for a business trip jisme it was a kind of everything like client meeting, phone meeting, meeting my mentor, spending time with family, sari cheeze, it was like absolutely amazing, very amazing I would say and kafi zyada maza aaya, kafi zyada exciting tha, kafi zyada mazedar tha and of course like I was able to also spend time with my family। Then I took flight towards my hometown with a new goal, with a new chapter, with a new because we were about to enter in a new year 21st of December को मैं वापस आया
इस टाइम मैं डायरेक्टली मेरे होम टाउन नहीं आया बिकॉज माई पेरेंट्स वर ऑल्सो यू नो दे ऑल्सो वेंट टू द विलेज, तो वो भी वापस आ रहे थे. तो मैं इस बार पटना में आया और पटना में आने के बाद सबसे पहली चीज जो मैंने की दैट आई वेंट टू द हनुमान मंदिर. ये इस हनुमान मंदिर की स्टोरी बहुत ज्यादा बड़ी है जो मेरे से रिलेटेड है. आई विल स्पीक अबाउट इट सम टाइम लेटर. बट 2018-2019 में देर वॉज अ टाइम जहाँ पे जो स्ट्रगलिंग टाइम था, तो आई यूज टू गो टू पटना यू नो ऑफन एंड बहुत सारा टाइम मैं पटना में वहाँ पे बिताता था. तो कभी भी ऐसा एक वो फियर या फिर डर ऐसा लगता था, I used to go to that Hanuman Mandir and used to pray कि please भगवान सब कुछ ठीक कर दो. So I got you know like a kind of flashback. जैसे ही मैं पटना उतरा, the first thing which I did, I went to the Mandir and 2 घंटे मैंने वहाँ पे spend किए. It was beautiful, the energy, the flashback, the memories. It was like how things change like this. ऐसा लग रहा था कि चीजें ऐसे change हो गई. तो कहीं ना कहीं definitely need to surround us with divinity, with you know like God. And I believe, I don't know whether you believe or not, but it was a beautiful and a serene moment for me. And I prayed once again, I thanked God and I expressed my gratitude also. वहाँ पे कुछ लोग थे, I was able to give them a little bit food. Then मैंने parents का wait किया, they came via train. फिर हम लोग साथ में बैठ करके I came back to home. And after coming to Mumbai, I thought to start a new chapter. A new chapter for my health, for my mind, for my business, for everything around me. And with that idea, this came into the picture. The Total Transformation Challenge. ये challenge क्या है, कैसा है, इसका एक trailer आने वाला है मेरे channel पे. वो trailer आपको बताएगा कि ये challenge किसके बारे में है, क्या है इसमें, मैंने ये क्यों किया and इससे मुझे result क्या मिला, how I transformed myself or whether did I transform or not. So actually अभी इस challenge का 81 days already complete हो चुका है. So definitely transformation is there. But वो क्या है, कैसे है, उसका पूरा behind the scene, पूरा raw you will be experiencing in this channel. So if you are new to the channel, please subscribe, hit the bell icon, share with someone, with your friend, and let this series inspire so many people. Also, आपका अगर कोई feedback है, let me know in the comment section. आपका कोई question है, you can put it here. Also, you can follow me on Instagram, जहाँ पे आप question पूछ सकते हो, and I'll be able to share whatever questions you have. So, be ready for Total Transformation Challenge as well. This was my, you know, a beautiful journey of my business trip in Mumbai. I was very excited to share this with you. Finally, it's done. Thank you so much for being a part of this. I'll meet you in the next challenge, Total Transformation.